भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? भारत का राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद चटर्जी ने लिखा है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात 3:2 होता है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? भारत में सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? विटामिन सी आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? कागज का आविष्कार चीन देश में हुआ। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? मछली गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, यानी जुपिटर है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे छोटा बुध ग्रह है। पहले प्लूटो था, लेकिन अब उसे ग्रह नहीं माना जाता है। भारत की प्रमुख नदियां कौन सी हैं? भारत की प्रमुख नदियां गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सतलज, नर्मदा इत्यादि हैं। ट्रेन को रोकने के लिए किस रंग के झंडे का प्रयोग किया जाता है? ट्रेन को रोकने के लिए लाल रंग के झंडे का प्रयोग करते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ है, नाम बताओ। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात, यानी भारत में है। एलबीडब्ल्यू किस खेल में होता है? एलबीडब्ल्यू क्रिकेट के खेल में होता है। भारत के राष्ट्रीय त्यौहार कौन से हैं? भारत के 3 राष्ट्रीय त्यौहार हैं, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, गांधी जयंती 2 अक्टूबर। क्रिकेट पिच की लंबाई क्या होती है? क्रिकेट पिच की लंबाई 22 गज होती है। भारत की संसद कहाँ स्थित है? भारत की संसद दिल्ली में स्थित है। लंदन किस देश की राजधानी है? लंदन ब्रिटेन की राजधानी है। आईक्यू का मतलब क्या होता है? आईक्यू का मतलब इंटेलिजेंट क्वांटेंट, यानी बुद्धिमत्ता मापने का मापक है। इंडिया का फुल फॉर्म क्या है? इंडिया का फुल फॉर्म आई से इंडिपेंडेंट, एन से नेशनल, डी से डेमोक्रेटिक, आई से इंटेलिजेंट, ए से एरिया। भारत की महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थी। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कहाँ है? दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। उत्तर
प्रदेश नाम से राज्य का गठन कब हुआ? उत्तर प्रदेश नाम से राज्य का गठन 24 जनवरी 1950 को हुआ तथा राज्य का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है। भारत के पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? भारत के पड़ोसी देशों की संख्या 7 है। पाकिस्तान, चीन, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, श्रीलंका। क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरी दुनिया में भारत का स्थान 7वां है और यह 29,87,590 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? जनसंख्या की दृष्टि से भारत का 2रा स्थान है। भारत में कितने राज्य एवं कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? भारत में 29 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 2021 में भारत की जनसंख्या कितनी है? 2021 में भारत की जनसंख्या 129 करोड़ है। उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं। उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा हिंदी है। भारत के लोकप्रिय नृत्य कौन कौन से हैं? भारत के लोकप्रिय नृत्य भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, कथकली, मणिपुरी और ओडिसी है। भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। भारत की राष्ट्रीय लिपि क्या है? भारत की राष्ट्रीय लिपि देवनागरी लिपि है। राष्ट्रीय गान को पहले कब गाया गया था? राष्ट्रीय गान को पहली बार 27 दिसंबर 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता सत्र में गाया गया था। राष्ट्रीय गीत को पहली बार कब गाया गया था? राष्ट्रीय गीत को पहली बार 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिक संदर्भ में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा गाया गया था। भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते है। भारत की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? भारत की राष्ट्रीय मुद्रा रुपया है। भारत का राष्ट्रीय सूचना पत्र क्या है? भारत का राष्ट्रीय सूचना पत्र श्वेत पत्र है। दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान है। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा नदी द्वारा निर्मित सुंदरबन डेल्टा है, जो कि भारत और बांग्लादेश में संयुक्त रूप से पाया जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। सनराइज सन किस देश को कहा जाता है?
सनराइज सन का देश जापान को कहा जाता है। माउंट एवरेस्ट किसके नाम पर रखा गया था? माउंट एवरेस्ट का नाम वेल्स सर्वेयर और जियोग्राफर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया था। सर एवरेस्ट ने ही पहली बार एवरेस्ट की सही ऊंचाई और लोकेशन बताई थी। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है।